ब्रेकडाउन को नहीं समझ पाते। जैसे अभी यहाँ से क्या है, एक रेसिस्टेंस लेवल है जहां से मार्केट क्या कर रहा है, बार बार नीचे गिर जा रहा है ना, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। मे भी मार्केट यहाँ से धीरे धीरे वापस ऊपर जाके नीचे गिर सकता है ना, रेसिस्टेंस है, वापस गिर सकता है। सेम उसी जगह उसी तरीका से अगर ये गिर जाता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन बिल्ड कर सकते हैं, ऊपर में छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि रिवर्सल मायने रखता है अपने लिए, स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। अगर बाय चांस इसके ऊपर गया तो हम लोग क्या करेंगे, अपना पोजिशन से स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, स्क्वायर ऑफ कर देने का मतलब टेंशन खत्म। लेकिन अगर गिरा तो अच्छा पैसा, रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 3, 4, 5 कुछ भी मिल सकता है ना। अब अगर देखा जाए वापस मार्केट धीरे धीरे रेंज क्रिएट करते करते ऊपर की तरफ जा रहा है ना, हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसको ब्रेक करना होगा तो क्या करेगा ना, ब्रेकआउट से पहले ये क्या करेगा, रेंज क्रिएट करेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेंज बन जाएगा। हमेशा नोटिस करके देखे होंगे ना, ब्रेकआउट आने से पहले क्या होता है, रेंज क्रिएट हो जाता है ना। ये रेंज क्रिएट होने का मतलब क्या है, या तो इसको ब्रेक करेगा या फिर वापस नीचे गिर जाएगा, दो ऑप्शन है। लेकिन जब भी मार्केट को गिरना रहता है, देखिए सिंगल टाइम में गिर जाता है, कोई रेंज क्रिएट नहीं हुआ ना। लेकिन अगर मार्केट को ब्रेक करना होगा ना, लेवल को होल्ड करेगा, वो होल्ड करने के बाद क्या होगा, अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रेक किया था, तो ये जो रेसिस्टेंस है ना, ये रेसिस्टेंस अब क्या बन जाएगा, अपना सपोर्ट बन जाएगा, करे तो यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा। इसका मतलब कि अपने ये जो स्टॉप लॉस है ये स्ट्रांग है, यहाँ ब्रेकआउट पे एंट्री, यहाँ नीचे में स्टॉप लॉस, क्लियर हुआ। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस जब ब्रेक हो रहा है तब एंट्री ले रहे हैं, या फिर रेसिस्टेंस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर ले रहे हैं।